Hey guys, welcome back to my channel. अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आपको फिटनेस से रिलेटेड सारी जानकारी मिल पाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रोटीन कितनी इंपॉर्टेंस प्ले करता है हमारी ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बोन्स, स्किन, मसल्स एंड ब्लड। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हैं जो जिम वगैरह नहीं जाते हैं, तब भी आपको अपने बॉडी वेट जितना प्रोटीन तो चाहिए ही होता है, क्योंकि प्रोटीन हेल्प करता है हमारे मसल सेल्स को रिपेयर करने में और नए सेल्स को बनाने में। प्रोटीन हमारी बोन स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और हमारी वेट लॉस में हेल्प करता है। वेट लॉस में हेल्प इस तरह करता है, जैसे हम कार्ब्स और फैट को अगर प्रोटीन से रिप्लेस कर दें तो हमारा पेट जो है वो फुल फील करेगा। अगर फुल फील करेगा तो जो हम एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हैं वो नहीं ले पाएंगे बॉडी में, जो ऑटोमेटिकली हमारे वेट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो जिम वगैरह जाते हैं, तो उनको अपनी बॉडी वेट से 1.5 या 2 टाइम्स तक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अब मान लीजिए जैसे आपका वेट है 80 किलो, तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट प्रोटीन की जो है वो है 150 ग्राम। 150 ग्राम आपको प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्लूड करना ही पड़ेगा ताकि आपकी मसल्स जो है जल्दी ग्रो कर पाएँ। अब आप उसको पूरा करने के लिए आप नेचुरल डाइट ले सकते हैं या आप अपने सप्लीमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो सप्लीमेंट को अपनी डाइट में इंक्लूड करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि नेचुरल डाइट से वो अपनी प्रोटीन अमाउंट को पूरा कर सके। तो आज इस वीडियो में मैं ऐसे ही टॉप प्रोटीन फूड्स लेके आया हूँ जो बहुत ही चीप हैं और ईजिली अवेलेबल है मार्केट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला फूड है सोया चंक्स, यानी हमारी सोयाबीन्स। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो सोयाबीन इज द बेस्ट ऑप्शन टू अचीव योर प्रोटीन अमाउंट। सोयाबीन्स हमारी बॉडी की थकावट को भी दूर करता है। लगभग 100 ग्राम सोयाबीन्स में 50 ग्राम प्रोटीन होता है। कोशिश करें कि आप डेली 30 से 50 ग्राम ही कंज्यूम करें। इससे ज्यादा आप कंज्यूम करेंगे तो आपका एस्ट्रोजन लेवल हाई हो जाएगा और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर देगा। हमारा सेकेंड फूड है पल्सेस, यानी कि हमारी दालें। हम में से ज़्यादातर लोगों के घर पर दाल डेली ही बनती है। दाल में प्रोटीन क्वांटिटी बहुत हाई होती है। 100 ग्राम दाल में लगभग 25 ग्राम प्रोटीन होता है। आप कोई भी दाल खा सकते हैं, सब में न्यूट्रिशन फैक्ट लगभग सेम होता है। हमारा अगला फूड है पनीर। पनीर इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। पनीर में प्रोटीन के साथ साथ फैट भी होता है। लगभग 100 ग्राम पनीर में 18 ग्राम प्रोटीन होता है। पनीर हमारी बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। हमारा अगला फूड है चिया सीड्स। चिया सीड्स में हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसमें कैलोरीज बहुत कम होती है, लगभग ना के बराबर होती है। एंड दे आर ऑल्सो रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। लगभग 100 ग्राम चिया सीड्स में 17 ग्राम प्रोटीन होता है। हमारा अगला फूड है पीनट्स, यानी कि हमारी मूंगफली। मूंगफली को गरीबों का बादाम भी कहा जाता है, क्योंकि बादाम बहुत महंगे होते हैं, लेकिन दोनों की न्यूट्रिशन फैक्ट्स लगभग सेम होती है। इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं जो कि हमारी हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लगभग 100 ग्राम मूंगफली में 25 ग्राम प्रोटीन होता है। हमारा अगला फूड है पम्पकिन सीड्स, यानी कि हमारे कद्दू के बीज। कद्दू के बीज हमारे स्पर्म काउंट को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, इसलिए ये बॉडी बिल्डिंग में बहुत फेमस है। ये हाई इन मैग्नीशियम एंड फाइबर भी होते हैं। लगभग 100 ग्राम कद्दू के बीज में 30 ग्राम प्रोटीन होता है। हमारा अगला फूड है राजमा। राजमा में फाइबर बहुत हाई होता है जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है और हमारी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। लगभग 100 ग्राम राजमा में 24 ग्राम प्रोटीन होता है। हमारा अगला फूड है वाइट चने। दे आर रिच इन प्लांट बेस्ड प्रोटीन और ये बहुत ही सस्ते होते हैं। आप आसानी से इनको अपनी डाइट पर ऐड कर सकते हैं। लगभग 100 ग्राम वाइट चने में 19 ग्राम प्रोटीन होता है। हमारा अगला फूड है कर्ड, यानी कि दही। कर्ड एक्ट एज अ प्रोबायोटिक, जिससे हमारा डाइजेशन बहुत स्ट्रांग होता है। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारा ओवरऑल वेट लॉस में भी हेल्प करता है। लगभग 100 ग्राम दही में 11 ग्राम प्रोटीन होता है। हमारा लास्ट फूड है चीज़। चीज़ इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, फैट एंड प्रोटीन। ये हाई इन विटामिन B12 भी होता है। लगभग 100 ग्राम चीज़ में 24 ग्राम प्रोटीन होता है। तो ये थे टॉप 10 हाई इन प्रोटीन वेजिटेरियन फूड्स। इन सबको आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं और अपनी प्रोटीन अमाउंट को पूरा कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू हिट द लाइक बटन। थैंक यू।